हेलो फ्रेंड, मैं एसपी सिंह। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डिवाइड करने की शॉर्ट ट्रिक। आप किसी भी नंबर को 5, 25 और 125 से डिवाइड केवल देख के ही कर सकते हैं और 2 सेकंड के अंदर। और साथ में आप 9 से भी किसी भी नंबर को डिवाइड केवल देखते ही कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या मेथड है, आइए हम समझते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। हम रूल 5, 125 और 125 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड क्विकली कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको समझना है रूल। अब रूल ये है, अगर हमें 5 से डिवाइड करनी है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, और 11, 2 × 3 = 6, 1 = 7, 2 × 2 = 4, और 2 × 1 = 2। 7 × 2 = 2, 5 × 10। अब देखिए यहाँ पे 1 0, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 2571.4, ये आंसर है। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए, 25 है तो 4 से ऊपर नीचे गुणा करनी है, और 4 से गुणा करेंगे, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 2 = 22, 4 × 3 = 12, 2 × 14 = 4, 4 × 2 = 8, 1 × 9, 4 × 4, और ये आ गया 100। 2 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 4 9 4.28, ये आंसर है। अब इसी तरह से अगर 125 से डिवाइड करनी है तो आपको क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करनी है, पहले 2 से, 4 से और 8 से, मतलब कुल मिला के नीचे 0 बनाना। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000, 8 से गुणा करेंगे, 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, 40 × 5 = 45, 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 28, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 18, 8 × 8, और 1 × 9। अब यहाँ पर देखिए 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आ गया आंसर 9.856। तो इस प्रकार से आप 5, 25 और 125 से जो मल्टीप्लाई है बहुत शॉर्टली बहुत क्विकली कर सकते हैं। अब देखो इनको शॉर्ट में कैसे करना, आप ये भी आपको। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, पहले नंबर को 5 से डिवाइड करना, इसको 25 और इसको 125 से, तो इसको हमें शॉर्ट में कैसे करना, अब इसको समझेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस मन में 2 से मल्टीप्लाई करनी, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 4, 2 × 5 = 10, 11, 2 × 2 = 3, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 4, और 1 के पास पॉइंट लगा देना, ये आंसर आ गया। अब इसी तरह यहाँ देखिए 25 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 9 = 36, 1 × 37, 4 × 8 = 32, 3 × 35 = 5, और 4 × 7 = 28, 3 × 31 = 31, 4 × 5 = 20, 3 × 23, और 2 के बाद पॉइंट लगा देना, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए 125 से हमें करनी है तो 8 से 8 × 5 = 40, और ये 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 8, 6 × 14 = 4, 8 × 2 = 16, 16 × 1 = 17, 8 × 3 = 24, 25, और ये 3 के बाद पॉइंट, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से जब आपको शॉर्टली करना हो डिवाइड, तो आपको जो है पूरा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो पहले 1 के बाद पॉइंट लगेगा, इसमें 2 के बाद और इसमें 3 के बाद। तो मैं समझता हूँ 5 का जो मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दिखाता हूँ, अगर अंक 9 दिया हो नीचे तो उसकी डिवाइड हम कैसे। वीडियो देखते देखते नीचे जो आपके लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाया, उस पर दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में आपके जो फ्रेंड हैं उनको व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अब सीखते हैं 9 से भाग का रूल। तो 9 से भाग का रूल भी बहुत आसान है, अगर आप इसको सीख लेंगे तो बहुत जल्दी भाग कर सकते हैं। कितना ही बड़ा नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, आप 9 से भाग करना हो तो मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे 9 से भाग, अब चलिए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 3, 2, 5, 7, 8, ये ले लिया। अब इसको 9 से डिवाइड करना, कितना डिवाइड करना, 9 से। तो एक नंबर को छोड़ के प्लस का निशान ऐसे बना दीजिए। अब करना क्या समझेंगे, तो पहले वाले नंबर को तो आप एज इट इज उतार दीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, ये जो नंबर उतारा आपने, इसमें इससे अगले वाला नंबर को प्लस कर दीजिए, 3 × 2 = 5, फिर इससे अगले वाले प्लस कर दीजिए, 5 × 5 = 10, 10 का लगाएंगे 0 और हाशिए को लिखेंगे इधर, 10 और 7 फिर जोड़ेंगे, 10 और 7 = 17, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, और हाशिए को लिखेंगे इधर, फिर 17 और 8 = 25, कितना 17 × 8 = 25। अब ज़रा ध्यान देना, 25 को 9 से भाग देंगे तो 9 × 3 = 9 × 18, 2 यहाँ लिख देंगे, जो बचा है 9 × 18, 25 में से 18 घटा दो, कितना बचा 7, ये हो जाएगा रिमाइंडर, कितना हो गया रिमाइंडर 7। अब देखो क्वेश्चन हमारा ये आने वाला है, 7 × 2 = 9, 1 × 5 = 6, और ये 3, ये हो गया इसका क्वेश्चन। तो मैं समझता हूँ ये 9 से डिवाइड का रूल आपको आ गया होगा। चलिए एक नंबर और लेते हैं,
यहाँ हम देखो आगे एक रैंडमली एक नंबर लेते हैं फिर उसको 9 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने ले लिया मान लीजिए 3, 6, 7, 3, 2, 5, 8 हमने ये नंबर ले लिया। अब इसको हमें 9 से डिवाइड करना है तो 9 से डिवाइड करने का रूल वही है प्लस का निशान बनाएंगे ऐसे। ठीक है तो सबसे पहला नंबर तो हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे। ठीक आगे क्या बताया था इस वाले नंबर में इससे अगला नंबर जोड़ेंगे तो 6 और 3 हो जाएंगे बस भाई। फिर इसमें अगला वाला नंबर जोड़ेंगे 9 और 7 हो जाएंगे 16, 16 एक हासिल कर लाएंगे 16 और 3 हो जाएंगे 19, 19 हासिल एक लाएंगे 19 और 2 हो जाएगा 21 हासिल इधर और 21 और 5 हो जाएगा 26 हासिल इधर। अब 26 और 8 हो जाएगा 34, 34 पर भाग लगाना जैसे 9 से तो आप देखिए जरा 9 से भाग देंगे 9 और 18, 9 और 27, 9 और 36, 36 और 9 और 27। अब 27, 34 में से 70 घटा दीजिए तो 27 सेंट आएंगे हो गया रिमाइंडर 7। अब देखो क्वेश्चन हमारा यहाँ आने वाला 6, 3 हो गया 9, 2, 1, 3, 9, 2, 11 6, 1, 7, 1, 8 और 9, 1, 10 का 0 और ये 3, 1, 40 ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो मैं समझता हूँ आपको ये रूल समझ। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रही है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में आपके जो फ्रेंड हैं उनको फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए SP मैथ्स चैनल पे बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।